दोस्तों आज के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताना चाहूंगा कि बिहार में मनीष कश्यप जो कि न्यूज रिपोर्टर हैं और हमारे बिहार के भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव जी आज काफ़ी ज़्यादा चर्चे का विषय बन गया है। इसी पे आज आइए हम आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या बोले हैं खेसारी लाल यादव जी मनीष कश्यप के बारे में और मनीष कश्यप जी ने क्या बोले हैं खेसारी लाल यादव जी के बारे में। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। आज शिक्षक दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामना आप सबको, जितने भी हमारे गुरु हैं जिन्होंने भी हमें सिखाया है, हम दो शब्द भी जिनसे सीखे हैं, सबको इंडस्ट्री से लेकर अपने गांव से लेकर पूरे समाज से लेकर पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि ऐसा ही प्यार आशीर्वाद हमेशा देते रहिए। और अपने भाई मनीष कश्यप जी, आपसे ज़्यादा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमेशा बिहार के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, बिहार के उन्नति के लिए हमेशा आपकी लड़ाई जारी रहती है। रोजगार बेस पे हो या किसी बेटी की बात हो या किसी बेटा की बात हो, शिक्षक की बात हो या स्टूडेंट की बात हो, हर उस बात में आप रहते हैं और ये आपका ऊर्जा हमेशा बरकरार रहे। मेरी शुभकामना अपने मनीष भाई के साथ है कि ऐसे भाई हमेशा हर गाँव में एक पैदा हो जो अपने बिहार के उन्नति के लिए लड़ाई लड़े। थैंक यू सो मच। शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे बारे में इतना अच्छा बात बोलने के लिए खेसारी लाल यादव भैया आपको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि आपसे लोग नहीं सीखता है, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे एक गांव में रहने वाला लड़का जो है, जिसका इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर नहीं था, वो स्ट्रगल अपने मेहनत, अपने हिम्मत, हौसला और अपने टैलेंट के वजह से जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन गया। कैसे जो है आप YouTube पे पूरी दुनिया में छा गए, तो आपसे भी हम लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बस आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि आप जो है एक भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा फिल्म बनाएं जो नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो, ऐसा फिल्म बनाए, तब जाके जो है हमें और ज्यादा जो है भोजपुरी इंडस्ट्री पे गर्व होगा। और उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द ऐसा करेंगे जो भोजपुरी फिल्म जो है पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में तहलका मचाएगा और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलेगा और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है खेसारी भैया आपको मिलेगा। बस मैं यही दुआ करता हूं और बहुत जल्द जो है हम दोनों की मुलाकात होगी। जय हिंद भैया।